सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं iQOO 9 डिवाइस के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग फाइल कहां सेव होती है एंड आप उसे कैसे सुन सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके फोन के अंदर अभी गूगल का डायलर है, गूगल डायलर के अंदर आपको जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो फाइल मैनेजर के अंदर नहीं जाती, तो ऐसे केस में काफी कंफ्यूजिंग लोगों की होती है जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग है एक्चुअली वो जाती कहां है। तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताऊंगा ये कॉल रिकॉर्डिंग है आपकी वो कहां जाती है एंड आप उसे कैसे सुन सकते हैं। तो चलो अभी हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग्स कहां से होती है। वेल गाइस, कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स को देखने के लिए हमें अपने गूगल डायलर को ही ओपन करना होगा। हमारा गूगल डायलर यहां पर मैंने ओपन कर दिया है। जब भी आप गूगल डायलर के अंदर किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करेंगे तो एक सामने वाले को अनाउंसमेंट सुनाई देती है, इस बात का ध्यान रहे, उसको पता चल जाएगा आसानी से कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आप इस सिस्टम को बंद भी कर सकते हैं, जो हमने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आई बटन में वीडियो के लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करके वॉच करके उस वीडियो को आसानी से आप इस अनाउंसमेंट को बंद कर पाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कॉल रिकॉर्डिंग फाइल्स की। जिस नंबर की आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे उसके सामने माइक्रोफोन का ऑप्शन आएगा देखने को, ये एक्चुअली गूगल डायलर के अंदर देखने को मिलता है फीचर। एक बार इसको प्रेस करेंगे, यहां पर जो हमने कॉल रिकॉर्डिंग करी हुई है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। 39 सेकंड की हमने कॉल रिकॉर्डिंग यहां पर अभी अभी रिसेंटली रिकॉर्ड करी है। एंड अगर इसको आपको सुनना है, मींस कि सुनना है क्या चीजें आपने रिकॉर्ड करी किसकी, तो इसको प्ले करके यहां से सुन सकते हैं। साथ में लाउड बाज का, लाउड स्पीकर का ऑप्शन है, इसको लाउड बाज में सुन सकते हो। और इसके साथ शेयर बटन दिया गया, अगर आपको इसे शेयर करना है किसी पर्सन को, शेयर बटन में क्लिक करके आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को किसी को शेयर भी कर सकते हैं। उसके साथ डिलीट बटन है, अगर आपको ये बायस्ड लगती है, कॉल रिकॉर्डिंग बेकार है, तो आप इसको आसानी से डिलीट भी, यहां पर डिलीट प्रेस करेंगे डिलीट हो जाएगा, बिकॉज इसमें एंडू का ऑप्शन आता है, एंडू कर सकते हो, दोबारा वापस आ जाएगा। अब देखो यहां पर ये चीजें हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग ये है कि हमारा तो जो हमने रिसेंटली कॉल को रिकॉर्ड करा वो यहां पर दिख रहा है, बट हमारे पुराने कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं दिख रहे। उसका एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूं, हिस्ट्री का एक ऑप्शन है, हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जितनी बार आपने इस नंबर को डायल करा होगा, यू नो आप देख सकते हो मैंने मंडे को इस नंबर को डायल करा हुआ है और इसकी भी कॉल हमने रिकॉर्ड करी थी। इसको प्रेस करेंगे लिस्टन टू रिकॉर्डिंग पे एंड यहां पर वो सारे प्रोसीजर मिल जाएंगे, वही वाले आप इसको सुन सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लाउड स्पीकर में डाल सकते हैं, जैसे चीजें आप कर पाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, बहुत लोग इसके लिए भी कॉमेंट्स करते हैं। तो उनका मेन कारण ये है कि आप थ्री डॉट पर क्लिक करिए, सेटिंग्स पर जाना, एक ऑप्शन मिलेगा कॉल रिकॉर्डिंग, इसको प्रेस करेंगे। डिलीट रिकॉर्डिंग्स में आप देख लेना कि आपका ये कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, आपको नेवर ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है, बाकी अगर तीनों ऑप्शन डेज वाले सिलेक्टेड है तो उतने ही डेज में आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है। और एक चीज का और खास ख्याल रखना है, उसका यह है कि अगर मान लीजिए मैंने इस नंबर की कॉल को रिकॉर्ड करा, अगर मैं इस नंबर को यहाँ रिसेंट हिस्ट्री से ही डिलीट कर दूं तो कॉल रिकॉर्डिंग भी डिलीट हो जाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो जब भी नंबर को डिलीट करना हो तो रिकॉर्डिंग्स आप किसी को शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइस आप इसके टोटल सेटिंग्स को समझे होंगे, क्या है, कैसे सुनना है कॉल रिकॉर्डिंग, आपको पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है। उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड फिर भी गाइस कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिकॉर्डिंग, कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या वो इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।